गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। बेटा आप सभी का अन अकेडमी पे स्वागत है। आज हम वेल्डिंग और कास्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे। वेल्डिंग के तो पूरे प्रॉब्लम्स अपन को नए करने ही है, इसके साथ साथ कास्टिंग के भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेके आया हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स में जो थोड़ा बहुत डाउट था उसको भी अपन क्लियर करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अगर एसएससी के स्टेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पे 11th ऑफ अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुके हैं न्यू। और आपको जो मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल में जो आपको बैच मिलेंगे बेटा, वो बैच नंबर डी होंगे। आप डी नंबर वाले बैच में एडिशन ले सकते हो। आप मेरा कोड लगाइए MKJ10। अगर आप MKJ10 लगाओगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ प्लान। अगर आप 2 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2 साल के लिए इसका प्राइस है 10,800। अगर आप 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान है 9,000 का। और अगर आप 6 मंथ के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान है बेटा 7,200 का। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलके यही चीज हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा 10% से, और 2 साल का प्लान आपके लिए हो जाएगा 9,720। ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन से। कमेंट आ रहा है मेरे? ओके, राकेश ने पूछा है नोट्स कहां से मिलेंगे। बेटा आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं करता हूं। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करता करना, मैं आपको बताऊंगा नोट्स कहां से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करें या बाकी अभी लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे। तो बेटा आज अपने पास कास्टिंग प्लस वेल्डिंग के अपन को क्वेश्चंस करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपन को देखना है हर चीज को। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। प्रोडक्शन में जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे कास्टिंग के, सॉरी कास्टिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कास्टिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नमस्ते कुलदीप, चलिए बताइए। मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूं तो मैं सामने रख देता हूं मोबाइल को, कमेंट दिखते रहे। चलिए चलिए बेटा, पहला आंसर, पहले का आंसर बताना स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग रेशियो, फ्रीजिंग रेशियो, फ्रीजिंग रेशियो इन केन्स इक्वेशंस, केन्स इक्वेशन में फ्रीजिंग रेशियो क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट हो गएगा। एक मिनट, मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, एक बार कमेंट देख लेते हैं। चलिए कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे। डी भी सही है, 2 सही है, आराम से देखो, ये तो सही है ना। ये ए ए करेक्ट। और बेटा और बताओ, ए और डी, डी भी देखो बेटा, एक बार डी भी देखो, डी भी देखो, एक बार डी भी देखो, दोनों एक ही तो है, ये और ये दोनों एक ही तो है। अरे यार, AC अपॉन BC और ये क्या लिखा, AR अपॉन VR।
तो वी आर ऊपर चला जाए तो वी आर अपॉन ए आर, ठीक है, वी आर अपॉन ए आर, और कितना बचा, वी सी अपॉन ए सी। दोनों ही सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। स्लिक इच, बिल्कुल आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। स्लिक बेटा, एक बार इसका मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूं, ये स्लिक होता क्या है, ये वाला चीज होती क्या है फाउंड्री में। बेटा फाउंड्री मतलब कास्टिंग जहां परफॉर्म की जाती है ना, कास्टिंग जहां परफॉर्म की जाती है उस जगह को बोला जाता है फाउंड्री। और फाउंड्री में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, रखे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक बार देखना। ओके, इसमें वो स्लिक नहीं आया। स्लिक ऐसा होता है बेटा, स्लिक ऐसा होता है, मैं आपको दिखाऊं, एक ऐसा पतला सा इस टाइप का, ये क्वेश्चन बेटा क्या है, स्लिक क्या है। आप फाउंड्री, जो फाउंड्री होती है ना कास्टिंग में, वहां बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लिफ्टर होता है, जैसे लिफ्टर होता है, ठीक है, लिफ्टर होता है, स्लिक होता है। तो एक बार आप नेट पे स्लिक डालना, जिससे आपको एक पता लगेगी कि चम्मच होती ना, चम्मच, आपके पास स्पून होता है ना, स्पून, अरे भाई आपके पास स्पून होता है ना, तो उसी टाइप का पतला सा, एक पतला सा, एक पतला सा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आप क्या करते हो, उससे करते क्या है, इससे करेंगे क्या बेटा बताओ, ऐसा कुछ होगा। हाँ जल्दी जल्दी, स्लिक नवीन, स्लिक इस टाइप का होता है, इस टाइप का, मैं आपको दिखाता, मैंने इसका डायग्राम भी लिया था, आई होप वो डायग्राम रह गया है वहां पे, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। और ऐसा होता है कुछ, मतलब कैसा बोले अपन इसको, इसको अपन कैसा बोले, जैसा अपने नाइफ होता है ना, चाकू टाइप, चाकू टाइप, इस टाइप से होता है, इस टाइप से, बिल्कुल ये इस टाइप से पतला सा, इस टाइप से फ्लेट, एकदम एकदम फ्लेट होता है बेटा। बोलो, हाँ जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, एक बार बोलो क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर हो रहा है, एक बार मैं कमेंट देख रहा हूं। बी सी डी सारे आ गए बेटा, सारे आंसर आ गए, स्लिप बोलो। ये समझ में आया, वेरी थिन, वेरी थिन, वेरी थिन बेटा, ये यूज किया जाता है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना मोल्ड के कॉर्नर्स को फ्लेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बिल्कुल बारीक सा इस टाइप का होता है, और कॉर्नर को आप क्या करते हो, उससे रिपेयर कर देते हो कॉर्नर को, ठीक है। चलिए वापस यही क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से देखो, वापस यही क्वेश्चन आ गया बेटा, कि जो फाउंड्री सोप होती है उसमें जो सिल्क होता है, सिल्क क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, कि एक पतला सा क्या होता है, एक ये मान लो स्पून टाइप का होता है, फ्लेट स्पून टाइप का, रेती टाइप की, यस यस ये बोल सकते हो। चलिए ए आंसर हो जाएगा इसका, तो ए हो जाएगा, अभी अभी आंसर किया था, अभी अभी आंसर किया था कि सर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर आप बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर फोर आप बना सकते हो, याद रखना बेटा, बेटा याद रखना, एक तो लिफ्टर पढ़ा था, एक तो लिफ्टर, एक आपने स्लिक पढ़ लिया, तो बेटा ये सभी के बारे में क्या है, कि आप हल्का सा देख लो,
एक बार इनके सबके डायग्राम देख लो कि ओरिजिनल में अपने घर पे भी होते हैं ये सारी चीजें, अपने घर पे भी होती है, अपने जब भी कोई मकान बनता है तो प्लास्टर किया जाता है तब भी होता है बेटा, बस उसके ये इंग्लिश में नाम है, ये सारे उनके इंग्लिश में नाम है, कुछ नहीं है। चलिए फोर बताइए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग किस लिए यूज की जाती है बेटा? बेटा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न होता है वो किसका होता है, जो पैटर्न यूज करते हैं वो किसका पैटर्न यूज करते हैं, वैक्स का। और वैक्स नेचर में कैसी होती है, वैक्स नेचर में कैसी होती है, सॉफ्ट। सॉफ्ट ठीक है, तो बेटा सॉफ्ट होती है तो इसकी वजह से किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को, किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को, कॉम्प्लेक्स शेप को इजी तरीके से अपन बना सकते हैं। ज्वेलरी में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो ज्वेलरी की डिजाइन होता है, जो ज्वेलरी का डिजाइन होता है, जो आपके गोल्ड के जितने भी ज्वेलरी बनती है या फिर आपके सिल्वर के जितने भी ज्वेलरी बनते हैं, उनकी डिजाइनिंग कितनी कॉम्प्लिकेट होती है, वो सारे की सारी चीज बनाई जाती है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से। प्रणाम प्रणाम बेटा। तो बेटा सी क्यों नहीं हो सकता ये बताओ, आप बोल रहे हो ए, सी भी तो यही है, एक बार देखो, एक बार ए और सी में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखो, ए और सी में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो ए और सी में क्या डिफरेंस है, ए और सी में क्या डिफरेंस है। दोनों दोनों दोनों, अगर दोनों आ गए तो कौन सा बेस्ट होगा, अगर दोनों आ गए तो कौन सा बेस्ट होगा? बेटा सैंड कास्टिंग देखो ना, बेटा सैंड कास्टिंग थोड़ी होती है, अरे सैंड कास्टिंग थोड़ी होती है, थोड़ा ध्यान से तो पढ़ो यार, थोड़ा ध्यान से तो पढ़ो, सैंड कास्टिंग में थोड़ी यूज की जाती है इन्वेस्टमेंट। सी आंसर करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन सैंड कास्टिंग, ये थोड़ी है बेटा सैंड कास्टिंग, गलत मत करो, गलती के चांस कम से कम होने चाहिए। चलिए अगला प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हाँ एक्सपेंडेबल पैटर्न ही होता है बेटा वो, एक्सपेंडेबल पैटर्न का मतलब अगर आपने वैक्स का पैटर्न बनाया, एक बार यूज आएगा, वापस वो पूरा का पूरा आपको ब्रेक करना पड़ेगा, वापस बनाना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंडेबल पैटर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, हाँ थोड़ा आराम से चीजों को देखते हुए बना, स्प्रू इन द कास्टिंग, स्प्रू क्या होता है बेटा एक, बेटा सबसे पहले तो स्प्रू बेसिन, पावरिंग बेसिन, फिर बेटा ये हो गया स्प्रू, फिर हो गया स्प्रू वॉल, फिर हो गया रनर, और फिर हो गया गेट और इन गेट, याद है, याद है, कोई बात नहीं। ई हो गया बेटा एक वर्टिकल पासेज है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते तो रनर आ जाता, रनर आ जाता, रनर आ जाता, अगर हॉरिजॉन्टल की बात होती तो रनर, गेट क्या होता है, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट बेटा ये गेट है, जहां से लिक्विड मोल्टन मेटल किसमें गिरेगा सर, केविटी में गिरेगा, सर केविटी में गिरेगा, यस। चलो
अगला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे, द होल चैम्बर डाइकास्टिंग, द होल चैम्बर डाइकास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। होल चैम्बर डाइकास्टिंग किस मटेरियल के लिए यूज की जाती है, किस मटेरियल की कास्टिंग इस वाले मेथड से की जाती है और क्यों? और क्यों? वीडियो को बेटा शेयर कर देना एक बार, है ना, वीडियो को शेयर कर देना, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो सामने नजर आते। वेरी गुड। ई आंसर आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव, ई डी, राजेंद्र ने डी किया है, बाकी ने ई किया है, राकेश ने सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर जो सबसे सही आंसर किया है वो आंसर किया है बेटा राजेंद्र ने, एकदम करेक्ट आंसर किया है। क्यों? क्यों सर? हम लेड, टिन और जिंक की कास्टिंग इससे करते हैं क्योंकि बेटा इन सबके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होते हैं, इन सबके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो क्यों रखना पड़ेगा? हॉट चैम्बर डाइकास्टिंग में जो फर्नेस होता है ना बेटा, जहां मेल्ट किया जाता है मेटल को, वो फर्नेस जो होता है ना बेटा, जो ये आपका फर्नेस होता है, ये फर्नेस बेटा इसका इंटरगल पार्ट होता है, इसी के अंदर लगा होता है बेटा, इसी के अंदर लगा होता है बेटा, ये इंटरगल पार्ट होता है। हॉट चैम्बर डाइकास्टिंग में जो फर्नेस होता है वो उसी के अंदर लगा होता है, तो वहां आप हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की मटेरियल को मेल्ट नहीं कर सकते, ना तो आपकी डाई खराब हो जाएगी। देखो ध्यान से बेटा, ऐसा आपका डाई है, मान लो ऐसा आपका डाई है, और बेटा ये आपके पास पाइप होता है, ये आपके पास पाइप होता है, और यहां आपके पास ये चैम्बर होता है, ठीक है, ये चैम्बर होता है बेटा, और यहां से प्रेशर आप लगाते हो, तो बेटा यही ये फर्नेस यही होता है, ये फर्नेस इसी का इंटरगल पार्ट होता है। तो अगर हाई टेम्परेचर का ले लोगे तो ये खराब हो जाएगा बेटा, अल्लाह चलेगा नहीं, तो डी आंसर जाएगा, करेक्ट है, समझ में आ गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन स्क्रीन पे है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा, आरएसीबी का एग्जाम आ रहा है, सोम मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, एफएम प्रैक्टिस हो रही है, और प्रोडक्शन देख लेना कितने क्वेश्चन मिलते हैं बेटा। अगर अगर टेक्निकली पार्ट की बात करें तो काफी क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे आपके, तो प्रिपरेशन करते जाओ भैया, और अगले एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में जो कोर बनाई जाती है, कोर वो किसकी बनती है? अरे सर, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में तो कोई कोर ही यूज नहीं की जाती है, विदाउट यूजिंग ऑफ कोर, विदाउट यूजिंग ऑफ कोर आप क्या बनाते हो? होलो सेक्शन, होलो सेक्शन, होलो कंपोनेंट अगर आपको बनाने हैं, पाइप बनाना है विदाउट यूजिंग ऑफ कोर, तो आप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यूज लोगे। तो आंसर ई, कोई बताएगा मुझे, कोई मुझे ये बताएगा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी इसकी? अगर होलो सेक्शन बनाना था तो सर कोर से बना लेते, सर कोर से बना लेते ना, फिर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बेटा आपको लॉन्ग पाइप बनाना है होलो, अगर आपको लॉन्ग पाइप बनाना है होलो, तो बेटा आपको लॉन्ग कोर बनानी पड़ेगी, बड़ी कोर बनानी पड़ेगी, और उसको हैंडल करना उस कोर को काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है, काफी डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमने एक नया कास्टिंग इन्वेंट किया, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग।
लॉन्ग होलो पाइप अगर बनाने होंगे तो लॉन्ग कोर की रिक्वायरमेंट होगी, और लॉन्ग कोर को बनाना मतलब क्या है, इकोनॉमिकल भी नहीं है, उसे हैंडलिंग करना, उसे संभालना वो भी इकोनॉमिकल नहीं है। दैट्स व्हाई रीजन वी यूज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन कोल्ड चैम्बर मेथड ऑफ डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर मेथड ऑफ डाई कास्टिंग, बताइए बेटा, बताइए, एक बार प्रैक्टिस कर लो बेटा, बहुत सही हो जाएगा काम, प्रैक्टिस करते जाओ। इन कोल्ड चैम्बर, बेटा डाई कास्टिंग दो टाइप की होती है ना, डाई कास्टिंग सर दो टाइप से क्लासिफाई की जाती है बेटा, एक ग्रेविटी डाई कास्टिंग और एक प्रेशर डाई कास्टिंग। एक प्रेशर डाई कास्टिंग, और बेटा प्रेशर डाई कास्टिंग भी दो टाइप से क्लासिफाई की जाती है, वन इज कॉल्ड द कोल्ड चैम्बर और अनादर इज द हॉट चैम्बर। हॉट चैम्बर बेटा, कोल्ड चैम्बर इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्नेस इसका पार्ट नहीं होता है यहां पे। ये फर्नेस, जो फर्नेस होगा वो कास्टिंग के अंदर नहीं होगा, फर्नेस अलग होगा बेटा, याद है ना, थोड़ा सा याद है कि अगर अपन बात करें तो यहां पे बेटा फर्नेस नहीं होगा, यहां आपके पास ये पाइप भी होगा, ये पाइप भी होगा, ये प्लंजर भी होगा, और बाहर से तुम लिक्विड मोल्टन मेटल लेके आओगे, बाहर से लेके आओगे, फर्नेस कहीं दूर होगा, यहां से लिक्विड मोल्टन मेटल लेके आओगे फिर डालोगे। बेटा बी आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा, जो मेल्टिंग पॉट होता है, जो फर्नेस, मेल्टिंग पॉट का मतलब फर्नेस, फर्नेस डाई कास्टिंग मशीन से सेपरेट होता है बेटा, इसलिए इसमें थोड़ा हाई टेम्परेचर की मटेरियल की कास्टिंग कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा हाई टेम्परेचर मटेरियल एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? एक बार थंब कर दो। बेटा राकेश, राकेश फाइन स्ट्रक्चर होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में फाइन स्ट्रक्चर होगा। सर फाइन क्यों होगा? क्योंकि एक लेयर बनने के बाद दूसरी लेयर आएगी सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, फिर तीसरी लेयर आएगी, फिर चौथी लेयर आएगी, तो एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, तो उसके पार्टिकल्स फाइन हो जाएंगे। वेरी गुड, बी जाएगा, बी बी जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉट्स पॉट सेपरेट होता है डाई कास्टिंग से, मैंने ऐसे ही बता दिया ना। चलो चलो बेटा, सेल मॉल्डिंग में, बेटा सेल मॉल्डिंग में किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, चलिए बताइए, किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है सेल मोल्डिंग में? सेल मोल्डिंग में किस टाइप का पैटर्न लिया जाता है? नोट्स पढ़ो एक बार अच्छे से, सारी चीजें, एक एक पॉइंट लिखाया है, एक एक पॉइंट लिखाया है बेटा। नाइट में भी क्लास है 9 o'clock टू 9 o'clock, एफ एम प्लस सॉन्ग कंटिन्यूटी में चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। मेटल पैटर्न यूज करते हैं, मेटल पैटर्न कौन सा सर? या तो कास्ट आयरन का ले लेते हैं, या तो कास्ट आयरन का ले लेते हैं, है ना, कास्ट आयरन का पैटर्न लेते हैं अपन इसमें, और भी अपन ले सकते हैं, व्हाइट मेटल का पैटर्न ले लेते हैं, व्हाइट मेटल का पैटर्न ले लेते हैं। वेरी गुड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है। ब्लो होल आर कास्टिंग डिफेक्ट, ब्लो होल एक कास्टिंग डिफेक्ट है बिल्कुल। कौन से कास्टिंग डिफेक्ट है सर? गेज डिफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। बोलो बेटा कौन सा आंसर जाएगा, जल्दी से देख के, जल्दी से देख के कौन सा आंसर जाएगा। बी बी बेटा बी, बेटा बी चला जाएगा ना, कि क्या होता है अपन ने पढ़ा था सर कि इस तरह से कि स्पेरिकल स्पेरिकल डिप्रेशन आ जाता है, स्पेरिकल सरफेस पे डिप्रेशन आ जाते हैं, वॉइड्स बढ़ जाते हैं, क्यों? गैस की वजह से, गैस की वजह से, गैस की वजह से। तो बेटा कौन सा आंसर चला जाएगा? बी, कौन सा चला जाएगा? बी। चलिए अगला प्रॉब्लम बेटा, कास्टिंग के सॉरी कास्टिंग के ये 10 प्रॉब्लम मैंने अभी कराए हैं, और कल मैं कास्टिंग के करीबन मैंने 80 प्रॉब्लम्स कास्टिंग के कल कराए थे, आज 10 प्रॉब्लम और कास्टिंग के कराए हैं, कल फिर 10 प्रॉब्लम और लेके आऊंगा। इस तरह से 100 प्रॉब्लम्स 100 क्वेश्चंस कास्टिंग के ऊपर आपके हो जाएंगे। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगा। अब अपन करेंगे बेटा वेल्डिंग के क्वेश्चन, अब अपन करेंगे बेटा वेल्डिंग के क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वेल्डिंग का, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा वेल्डिंग का। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला अब आ रहा है आपका वेल्डिंग के क्वेश्चन, स्टार्ट हो चुके हैं, वीडियो को लाइक कर देना बेटा, बताते जाओ बताते जाओ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे बेटा, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में जो आपकी आईज होती है, जो आपकी आंखें होती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो यहां से एक रेज निकलती है बेटा, और ये रेज डायरेक्टली आंखों में जाती है। कौन सा है? वो है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। और बेटा इसकी वजह से आंखें खराब हो जाती है, इसकी वजह से वेल्डर की आंखें खराब हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा एक फेस मास्क आता है, एक फेस शील्ड आती है बेटा, उसको लगा के वेल्डिंग की जाती है, उसको लगा के वेल्डिंग की जाती है। यस या नो? यस या नो? कि भाई जब वेल्डिंग आपने देखी होगी करते वक्त, तो एक फेस मास्क या फेस शील्ड लगाता है, क्योंकि उससे अल्ट्रा वायलेट रेज से वो बचाया जा सके। ठीक है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला बेटा, सेकंड सेकंड क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे, सेकंड क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे, आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा, इनमें से वो कौन सी वेल्डिंग है जिसमें पुल ऑफ मोल्टन मेटल को यूज करके वेल्डिंग की जाती है? पुल ऑफ मोल्टन मेटल को यूज करके वेल्डिंग की जाती है, इनमें से वो कौन सी वेल्डिंग है जिसमें पुल ऑफ मोल्टन मेटल को यूज किया जाता है? बताइए बताइए बेटा। बेटा ये है इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग,
इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग में क्या होता है? पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग यूज की जाती है बेटा वर्टिकल पोजीशन के लिए। अगर आपको वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करनी है, आपको वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग करनी है और इस तरह की लॉन्ग प्लेट की वेल्डिंग करनी है दो, इस तरह की लॉन्ग प्लेट की वेल्डिंग करनी है दो, तो बेटा यहां अपन एक फ्लक्स पाउडर के साथ इसकी वेल्डिंग करते हैं, पता ना? और यहां कॉपर का ब्लॉक लगाया जाता है, यहां एक कॉपर का ब्लॉक लगा देते हैं और ये ऊपर जाता रहता है और वेल्डिंग होती रहती है। तो आंसर जाएगा ए। वर्टिकल पोजीशन में अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो बहुत ज्यादा आपकी क्या, एक चीज और बेटा, इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग हाई थिकनेस की प्लेट को जॉइन करने के लिए यूज लिया जाता है। हाई थिकनेस की प्लेट को अगर जॉइन करना है तो आप इलेक्ट्रो स्लेग वेल्डिंग का यूज करोगे, यस या नो? यस या नो? क्यों इलेक्ट्रो स्लेग आई थी भैया? इलेक्ट्रो स्लेग इसलिए आया था, अराउंड आई थिंक इससे आप 90 mm से लेके 250 mm तक, 250 mm तक क्या कर सकते हो? 90 mm से लेके 250 mm तक आप क्या कर सकते हो बेटा? थिकनेस की प्लेट को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? धीरज, एक बात समझो बेटा, ये पुल ऑफ मोल्टन मेटल है ना, इसकी वजह से ही वेल्डिंग चलती रहती है, इसकी वजह से इसमें वेल्डिंग चलती है, ठीक है? उसमें तो क्या होता है, आर्क टकराता है, फिर वेल्ड पुल बनता है, फिर होता है सारा काम। इसमें ऑलरेडी वेल्डिंग जब होती है, जब ये मोल्टन मेटल हो जाता है, मोल्टन मेटल हो जाने के बाद वो स्लेग ऊपर जाता रहता है, ठीक है? चलिए बेटा इसको छोड़ दो अभी, चलो कर लो इसको। ये बेटा आपको एक फैक्ट है जो रिमेंबर करना पड़ेगा, फैक्ट है जो रिमेंबर करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे, कमेंट देख रहा हूं, और गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, प्लेन एंड बट वेल्ड मे बी यूज ऑन मटेरियल अप टू द अप्रोक्सीमेटली कितना थिकनेस होगा? बेटा बट वेल्ड मतलब बट जॉइंट। बट जॉइंट ए 25 mm, याद रखना, रिमेंबर रखने वाला क्वेश्चन है सर, रिमेंबर रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना बेटा इसको ना। हाँ 25 mm, उसके बाद इसमें कर सकते हैं अपन ये। चलो ये वाला करते हैं, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रोड की डायामीटर आर्क वेल्डिंग में, इलेक्ट्रोड का डायामीटर लोगे, देखो बेटा ये इलेक्ट्रोड है तुम्हारा, इसका डायामीटर जो लोगे वो किस, कौन सा फैक्टर याद रखते हुए सिलेक्शन करो, कौन सा फैक्टर याद करते हुए सिलेक्शन करोगे, कौन सा फैक्टर? आराम से, मैं देख रहा हूं कमेंट, कमेंट में देख रहा हूं सबके, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया। चलो दो, धीरज ने सी आंसर किया है, धीरज ने सी आंसर किया है सबसे पहले, बाकी लोग भी सी कर रहे हैं, बाकी लोग भी सी कर रहे हैं। देखो थिकनेस ऑफ मटेरियल, क्यों सर, क्यों सर? बेटा अगर थिकनेस ज्यादा होगा, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, ठीक है बेटा, अगर थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो ये मेल्ट होके इसमें गिरना पड़ेगा, मेल्ट होके इसमें गिरना पड़ेगा, तो यहां मटेरियल को ज्यादा चाहिए अपन को। अगर थिकनेस ज्यादा है तो
तो अपन को इलेक्ट्रोड की डाया ज्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि वो मेल्ट होगा और वो मटेरियल गैप में फिल हो जाएगा। अगर आपका थिकनेस कम है तो इलेक्ट्रोड की डायामीटर कम चाहिए, क्योंकि अपन को वो गैप जो फिल करवाना है वहां जो मटेरियल जाएगा वो कम जाएगा, तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज द करेक्ट वन आंसर। बात समझ में आई हो तो थंब कर दो, बात अगर समझ में आई हो तो थंब कर दो कि यस सर ये चीज भी समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक कर देना बेटा जो नए नए जुड़ रहे हो, जो अपने देख रहे हो, ठीक है। चलिए अगला अगला फिफ्थ, नॉन फेरस मटेरियल की के लिए जो आर्क वेल्डिंग करोगे उसके लिए कौन सा किससे आर्क वेल्डिंग करनी चाहिए, किससे आर्क वेल्डिंग करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पे कमेंट बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, गोविंद ने सी दिया है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके। चलिए बेटा, नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस का मतलब जिसमें फेरस नहीं होगा, नॉन फेरस का मतलब जिसमें फेरस नहीं है, जिसमें आयरन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सर एल्यूमिनियम ले लो, सर मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन फेरस हो गए। अब बेटा नॉन फेरस मटेरियल की वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो किस टाइप का पावर सोर्स यूज करना पड़ेगा, किस टाइप का पावर सोर्स यूज करना पड़ेगा? ठीक है, किस टाइप का पावर? देखो बेटा होता क्या है, जो आपका एल्यूमिनियम होता है ना, देखो बेटा बात समझना बेटा, इनकी वेल्डिंग आप सभी से कर सकते हो, आपका आंसर डी होगा बेटा, आप किसी से भी कर सकते हो, है ना। एसी से भी होता है और डीसी से भी होता है, एसी से भी होता है और डीसी से भी होता है, दोनों से होता है। लेकिन यहां एक चीज देती बेटा, क्या दे दिया यहां, दे दिया कौन सा प्रीफर्ड करोगे, यहां दे दिया बेटा कौन सा प्रीफर्ड करोगे। तो बेटा फिर अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, सर हम डीसी प्रिफर्ड करेंगे, सर हम डीसी प्रिफर्ड करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में तो आप किसी से भी, एसी से भी होता है डीसी से भी होता है, लेकिन अगर प्रिफर्ड की बात होगी तो अपन डीसी से करेंगे, फिर डीसी से करेंगे फिर, ठीक है। प्रिफर्ड में अपन डीसी कर लेते हैं क्योंकि इसमें फिर पॉलिटी चेंज नहीं होती वहां पर। चलिए ऐसे एसी से भी करते हैं बेटा, एसी से भी करते हैं। आंसर अगर करेक्ट में ज्यादा चाहूंगा तो मैं डी पे जाऊंगा। चलिए अगला प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर सिक्स, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर सिक्स। इन आर्क वेल्डिंग, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क। बोलो बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोड होता है और ये वर्क होता है, जॉब होता है। तो आपने कभी आर्क वेल्डिंग की हो तो सबसे पहले इसे टच करवाया जाता है, जैसे ही टच करते हो तो सडन उसी मूवमेंट पे ऊपर की साइड खींच लिया जाता है, ऊपर की साइड खींच लिया जाता है, नहीं फ्लो ऑफ करंट नहीं बेटा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस बेटा, कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से होगा बेटा, कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से होगा, फ्लो ऑफ करंट वोल्टेज नहीं इसका अर्थ। आप जैसे ही टच करते हो तो एक रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होता है तो वहीं से आप आर्क क्रिएट करते हो। फिर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। राजेंद्र क्लियर हुआ? राजेंद्र क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा। ओपन सर्किट वोल्टेज OCV आर्क वेल्डिंग में कितना होता है? आर्क वेल्डिंग में कितना होता है? आर्क वेल्डिंग में कितना होता है? गुरप्रीत, राजेंद्र, कांटेक्ट रेजिस्टेंस आएगा। बेटा OCV की वैल्यू स्टैंडर्ड 80 वोल्ट होती है। 80 वोल्ट होती है बेटा। सबसे ज्यादा ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है ना बेटा, वो होता है 80 वोल्ट। 80 वोल्ट तो 80 वाला आंसर देख लो इसमें भैया, 40 to 90 बी आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा। और बेटा एक बार आप जब लोड लगा देते हो, देखो समझो बेटा, इस तरह से होता है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इलेक्ट्रोड और ये तुम्हारा वर्क। तो बेटा जब ये आपने ये कुछ भी नहीं लगाया, जब आपने ये कुछ भी नहीं लगाया, बात समझना, जब आपने ओपन थे तो इनके बीच में जो वोल्टेज होता है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा 80 वोल्ट रखा जाता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 80 वोल्ट है, पर जैसे ही ये लोड लगाया जाता है बेटा, तो ये घट के आ जाता है लगभग 30 से 40 के बीच में। और जब अपन वर्किंग करवाते हैं बेटा, जब हम वर्किंग करवाते हैं ना, तो वर्किंग तो अपन बेटा 18 से लेके 30 के बीच में ही करवाते हैं। जब हम वर्किंग करवाते हैं, जब अपन वर्किंग कराते हैं, तो 18 to 13 ही करते। तो आंसर इसका बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाओ। यूज जब करते ना, 30 से 40 होता है, फिर जब कंटिन्यूटी में आ जाता है तो और कम हो जाता है, और कम हो जाता बेटा। इलेक्ट्रोड पे जो कोटिंग की जाती है बेटा, जो इलेक्ट्रोड पे कोटिंग की जाती है उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड पे जो कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोड पे जो ये कोटिंग की जाती है बेटा, ये इस कोटिंग के बहुत सारे काम होते हैं। इलेक्ट्रोड पे जो ये कोटिंग की जाती है, ये कोटिंग को बोलते हैं बेटा फ्लक्स। इस कोटिंग को बोलते हैं बेटा फ्लक्स। जो इस इलेक्ट्रोड पे आपने ये कोटिंग की, इस कोटिंग को बोला फ्लक्स। ये इलेक्ट्रोड है और ये बेटा फ्लक्स बोला जाता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इस फ्लक्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। कोई कोई एलिमेंट डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, कोई एलिमेंट स्लग इंक्लूजन की तरह काम करता है, कोई एलिमेंट आपकी आर्क स्टेबिलिटी का काम करता है, कोई एलिमेंट जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। इसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं। चलिए बेटा इसको छोड़ दो भी, इसको छोड़ दो, ये करो, उसको छोड़ दो, वो डिजाइन में समझाएंगे तब जाके समझ में आएगा। डिजाइन में समझाएंगे, समझ में आ जाएगा कि जॉइंट कितने टाइप के होते हैं। बनाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बेटा, ऐसा कौन सा वेल्डिंग है इसमें जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो बेटा ये तो सभी को बताया सर, टिक वेल्डिंग। नाम ही टिक क्यों पड़ा, नाम ही टिक क्यों पड़ा? टंगस्टन, टंगस्टन,
और टंगस्टन कैसा होता है बेटा? नॉन कंज्यूमेबल। टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। When welding is going on, जब welding बिल्कुल welding की welding जब start नहीं going on है चल रही है, तो arc voltage क्या हो जाता है? Reduce हो जाता है, reduce हो जाता है। B नहीं आएगा, A आंसर लगाओ। एक्चुअल में तो आंसर 18 to 30 होना चाहिए था, अब वो तो है नहीं, वो तो है नहीं, तो अपन A लगा देंगे, 40 मान के भी कर लेंगे। बेटा बेटा बहुत ध्यान से, वेल्डिंग इज गोइंग ऑन, जब वेल्डिंग चल रही है तो जो आपने ओसीवी था उस पे काम नहीं करते हो आप, ओसीवी से रिड्यूस होके कम हो जाता है, पता है ना? ये बताया था ना आपको। बी क्यों लगा रहे हो फिर बी ऑप्शन क्यों लगा रहे हो बेटा? आर्क वेल्डिंग जब भी की जाती है तो ओपन टर्मिनल के बीच जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 80 होता है, फिर जैसे ही आप उस पे इलेक्ट्रोड और वर्क पीस लगा दोगे, लोड लगा दोगे, मतलब लोड लगा दोगे, देखो बेटा मैं समझाता हूं, इधर समझो बेटा, जब ये दोनों टर्मिनल ओपन होते हैं ना, तब इसके ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है बेटा 80 वोल्ट, और जैसे ही आप इस पे ये इलेक्ट्रोड और वर्क पीस को लगा देते हो, मतलब लोड लगा दिया, तो बेटा वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, वोल्टेज रिड्यूस होके ये वर्किंग वोल्टेज है जहां आप काम करोगे, ये आपका वर्किंग वोल्टेज है जहां काम किया जाता है, ये तो मैक्सिमम है बेटा, यहां तो लोड ही नहीं लगाया ना, लोड लगाएंगे तो रजिस्टेंस आएगा, रजिस्टेंस आएगा तो वोल्टेज डिक्रीज। बात समझ में आई गुड्डू? बात समझ में आई कि वर्किंग अलग बात है और ओसीवी अलग बात है, वर्किंग वोल्टेज अलग बात है, जब आप काम करोगे ओपन सर्किट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम पे थोड़ी काम करते हो, उसके बाद तो लोड लगा देते हो, लोड का मतलब इलेक्ट्रोड लगा दिया और इधर जॉब लगा दिया। चलिए तो ये हो गया था, ये ओके, ये हो गया था ना, यस, तो रिड्यूस हो जाता है ना, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12, अगला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं बेटा ना, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ये तो हर कोई बता देगा बेटा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज की जाती है? हीलियम एंड ऑर्गन, हीलियम एंड ऑर्गन, ई ऑप्शन। हाँ प्लाज्मा में भी किया जाता है राजेंद्र, राजेंद्र आप प्लाज्मा भी दे रखा है क्या ऑप्शन में? अगर प्लाज्मा भी दे रखा हो तो प्लाज्मा में भी अपन टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। हीलियम ऑर्गन सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोड़ो ये करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़ेंगे और फिर करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? हाँ प्लाज्मा भी था, वो दोनों होगा ना, पर याद रखना बेटा राजेंद्र, याद रखना, अगर ये कोई स्टेट जेई के एग्जामिनेशन है तो आप टिगी लगाना, अगर स्टेट जेई के एग्जाम है तो टिगी लगा के आना, है ना? प्लाज्मा भी सही है बेटा, प्लाज्मा में भी यही होता है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे बेटा, आराम से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें।
ए इनकरेक्ट है ए बेटा, फ्लक्स यूज किया जाता, फ्लक्स यूज किया जाता। अरे स्पीड तो ज्यादा होती है, सही तो है, स्पीड तो ज्यादा होती है ना। ए स्पीड ज्यादा क्यों होती है, स्पीड ज्यादा क्यों होती है भैया? मिग वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है कंज्यूमेबल, यस या नो बोलो, यस या नो। कैसा इलेक्ट्रोड होगा सर? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा तो दो प्लेट की ज्वाइनिंग करनी है, दो प्लेट का ज्वाइनिंग करना है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोड यहां तुमने लगाया, ये कंज्यूम होगा और इस गैप में जाएगा। तो बेटा इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा फास्ट हो जाएगी, मेल्ट होगा, मेल्ट होके इसके अंदर भर, इसके अंदर फिल होगा और आप इलेक्ट्रोड को बढ़ा दोगे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को। पंद्रह को इंपोर्टेंट लगा लो। राजेंद्र कौन से वाले में, राजेंद्र कौन से वाले में भी बता रहे हो, कौन से वाले में भी बता रहे हो? हाँ बिल्कुल राजू, राजू क्लियर है, राजू ने भी सही कहा। क्वेश्चन नंबर 15 में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 बी सही है बेटा, बी सही है। स्पॉट वेल्डिंग से नहीं बनाएंगे, क्यों क्यों? क्यों स्पॉट वेल्डिंग से कॉपर की वेल्डिंग क्यों नहीं की जाती, ये बात बताओ बेटा। स्पॉट वेल्डिंग के लिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, आपके पास, आपके पास ये दो इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, और आपके पास ये दो प्लेट होगी, आपके पास ये दो प्लेट होगी, ये आप पावर सोर्स लगा दोगे, पावर सोर्स लगा दोगे, ठीक है, और आप मुझे बताओ करंट कितनी जाती है, करंट किस ऑर्डर की होती है? सर 10,000 किलो एम्पियर से लेके 30,000 किलो एम्पियर तक की, 10,000 से लेके 30,000, इतनी करंट को लगभग 0.01 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर से फ्लो करवाते हैं, इसके अंदर से फ्लो करवाते हैं। कॉपर में क्या होगा बेटा? कॉपर मेल्ट हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं हो पाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। हाँ 0.01 ही लिखा है मैंने, और भी कम होता है बेटा, और भी कम होता है, 0.01, 0.1 सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा करंट दी जाती है तो हीट जो जनरेट होती है उसका फॉर्मूला आता है I²RT, I² तो 10,000 का स्क्वायर, टी बहुत कम देंगे तो हीट जनरेट हो जाए, ठीक है। कौन सा था? 16, 16 छोड़ो, 17 करो आप, 17 करो, अभी उसको लेटर ऑन आएगा 16, 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 10,000 से लेके 30,000 डाटा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करो अच्छे से, अच्छे से रीड करो।
आंसर सबसे पहले प्रदीप ने ए दिया है, सबसे पहले प्रदीप ने ए आंसर किया। आराम से करो, आराम से करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कमेंट देख रहा हूं। बेटा दो टू सीट ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट थिकनेस, बेटा थिकनेस अलग अलग है, बेटा दो मटेरियल है और इनकी थिकनेस अलग अलग है। थिकनेस अलग अलग है, ठीक है, बट वेल्डेड। बेटा कौन सी वेल्डिंग करनी है, कौन सी, बट, बेटा बट वेल्डिंग करनी है, ठीक है। तो यहां आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते हो, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाते हो, पावर सोर्स से जोड़ देते हो, इन दोनों को पास में लेके आते हो, इन दोनों को पास में लेके आते हो, बोलो। दो इलेक्ट्रोड जोड़ते हो ना, दो इलेक्ट्रोड आपके पास, दोनों को पास में लेके आओगे, यहां अलग, यहां आपको अलग चाहिए, यहां आपको अलग चाहिए, तो बेटा अगर डिफरेंट थिकनेस है, डिफरेंट थिकनेस है, तो बेटा आप साइज चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का साइज चेंज करके आराम से कर दोगे, क्योंकि साइज चेंज हो जाएगा। हाँ डी, अरे पूरा पढ़ो बेटा, कौन सी वेल्डिंग है, बट वेल्डेड, बट वेल्डेड, आराम से करो। हाँ क्योंकि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो ना क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कोई भी बता देगा, इंपॉर्टेंट बना लेना इसको, इंपॉर्टेंट बना लेना। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, आराम से बताओ। आराम से बताओ, जो भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए, जैसे मेरे पास धीरज ने कुछ क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, कोई बात नहीं। बेटा प्रोजेक्शन वेल्डिंग में होता क्या है, जिन दो सीट को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, जिन दो सीट को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, उनमें एक सीट पे प्रोजेक्शन बना दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, बोलो कौन से प्रोसेस से प्रोजेक्शन बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से प्रोजेक्शन बनाते हैं बेटा, बेटा कौन से, इम्बोसिंग, हम इम्बोसिंग की हेल्प से एक सीट पे प्रोजेक्शन बना देते हैं, और जब ये वाले जब इस दूसरी सीट के कॉन्टेक्ट में आएंगे यहां, तो बेटा यहां रेजिस्टेंस हीटिंग होगी और ये मेल्ट होके ऐसे बन जाएगी ये सीट, यहां इस टाइप से पूरा मेल्ट होके ऐसे बन जाएगा, तो दैट इज द मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हो गया बेटा, मल्टी स्पॉट, एक स्पॉट, दो स्पॉट, तीन स्पॉट, तो दैट इज द मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हो गया बेटा। समझ में आ गई, समझ में आ गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हम इम्बोसिंग प्रोसेस से प्रोजेक्शन बनाते हैं, उससे अपन को मल्टी स्पॉट वेल्डिंग मिलता है, मल्टी स्पॉट मिलता है। चलिए अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम, उन्नीस, प्रॉब्लम नंबर 19, 19,
19 आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, उसके बाद करो। धीरज ने ई आंसर किया है, धीरज ने ई आंसर किया है, मैं भी चाहूंगा कि सभी आंसर करें। सभी आंसर करें, किसका है ये आंसर दे रहे होगा। ई बेटा देखो यार, बेटा देखो क्या है, मेरी बात समझना। वेल्डिंग प्रोसेस इज टू पीस टू बी ज्वाइन, जिन दो पीस को ज्वाइन किया जा रहा है उनको ओवरलैप कर दिया इस टाइप से, ठीक है, ओवरलैप कर दिया और इसके ऊपर लगा दिया इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर लगा दिया इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसको पावर सोर्स से जोड़ दिया, पावर सोर्स से जोड़ दिया। बेटा ये प्रोजेक्शन भी है, ये सीम भी है, ये स्पॉट भी है, ये प्रिकॉशन भी है, सभी है बेटा, सभी में यही करते हैं बस। बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं करते हैं, बट वेल्डिंग में क्या करते हैं बेटा, बट वेल्डिंग में बट जॉइंट बनाया जाता है, बट वेल्डिंग में बट जॉइंट बनाया जाता है बेटा। तो यहां इसमें ऐसा आना चाहिए था, वेल्डिंग प्रोसेस इन विच टू पीसेस, तो नॉट आना चाहिए था, या नॉट, नॉट आना चाहिए था, या यहां नॉट आना चाहिए था, और आंसर फिर बट वेल्डिंग चला जाता। मेरे हिसाब से ये आंसर होता, क्योंकि बेटा स्पॉट वेल्डिंग में भी आप दो इलेक्ट्रोड दो सीट को ओवरलैप करते हो, ठीक है, बनाते हो, तो सीम में भी यही करते हो, दोनों को ओवरलैप करके कंटिन्यूस जॉइंट बनाते हो, प्रोजेक्शन में भी यही करते हो, तो सभी में यही करते हो बेटा, तो बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं किया जा सकता, तो यहां नॉट आता तो करेक्ट आंसर ज्यादा जाता, ठीक है। रोलर तो होता है, ये सीम वेल्डिंग में इस सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड की जगह रोलर यूज कर लिए जाएंगे, पर काम तो यही होगा ना, काम तो यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बट वेल्डिंग इसलिए आएगा, इसका आंसर यहां नॉट होना चाहिए था, इनमें से वो कौन सा प्रोसेस नहीं है, ऐसा होना चाहिए था यह क्वेश्चन, क्लियर है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है। वेरी गुड, हाफ कॉर्नर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 21, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कितना लेते हैं, कितना वोल्टेज रखा जाता है, आराम से सबके कमेंट आने चाहिए। ओवरलोडेड का मतलब बेटा ऐसा, एक के ऊपर दूसरा ओवरलोडेड है, ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो, ओवरलैपिंग बोल दो बेटा, ओवरलोडेड मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बोल दो, ओवरलैपिंग बोल दो। प्रदीप, बेटा रेजिस्टेंस वेल्डिंग के पैरामीटर लिखाए थे, करंट 10,000 एम्पियर से 30,000 एम्पियर, कितने टाइम के लिए ये करंट, 0.01 सेकेंड के लिए ये करंट, वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज होगा बेटा 10 वोल्ट, रखा तो बेटा 2 से 10 के बीच में ही रखा जाता है, 2 से 10 के बीच में ही रखा जाता है, और कम रखा जाता है, दो वोल्टेज, दो तीन इतना ही, और कम कभी कभी तो 1 भी रख देते हैं। आंसर बी है बेटा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो आप पावर सोर्स लेते हो ना, उस पावर सोर्स की ये खूबसूरती होती है बेटा, ये इसके पैरामीटर्स है, उस पावर सोर्स के, पावर सोर्स के ये पैरामीटर्स है।
तो आंसर बी जा रहा है, आंसर बी जा रहा है बेटा। क्लियर? हाँ धीरज, 1 से 10 होता है तो अपन 10 ले लो आप तो मैक्सिमम, है ना। किसी किसी बुक में धीरज क्या है कि 5 to 10 भी दे रखा है, किसी किसी बुक में 3 to 10 भी दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला ले लो। तो अगला करें हम, समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि रिवेट पूरे मार्केट से गायब हो गया? रिवेट जिसका यूज स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता था। स्ट्रक्चरल वर्क का मतलब ब्रिज बनाते हैं, जब जब आप मेटल के ब्रिज देखते हो, ब्रिज आपने देखा होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वर्क ब्रिज हो गया, या फिर पहले अपन एक छत बनाते थे दूसरे टाइप की मेटल के, ठीक है बेटा। इसका काम खत्म हो गया, क्यों क्यों रिवेट्स खत्म हो गए और वेल्डिंग प्रीफर की जाने लगी, वेल्डिंग प्रीफर की जाने लगी, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि रिवेट्स में सरफेस फिनिश का काफी चक्कर होगा। एक तो रिवेट्स ऐसा होता है, रिवेट्स ऐसा होगा। तो बेटा जब भी आप दो प्लेट में रिवेट को लगाओगे, बेटा जब भी दो प्लेट में तुम रिवेट को लगाओगे तो तुम्हें रिवेट ऐसा दिखाई देगा, तो ये वाली चीज एक्स्ट्रा दिखाई देगी, ये हेड दिखाई देंगे, उसकी वजह से सरफेस फिनिश स्मूथ नहीं दिखाई देगी। सरफेस फिनिश खराब दिखाई देने लगेगी। और पुराने जमाने में क्या है बेटा, वेल्डिंग में इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, वेल्डिंग नई नई आई थी बेटा। फिर टाइम के साथ वेल्डिंग में एडवांसमेंट होते रहे, एडवांसमेंट होते रहे, एडवांसमेंट होता रहा, एडवांसमेंट होता रहा। और बेटा इस तरह से आज ऐसी वेल्डिंग हो गई, आप ऐसी भी वेल्डिंग कर सकते हो कि आपको फील भी नहीं होगा कि दो सिलेंडर जुड़े हुए हैं, दो सिलेंडर जुड़े हुए हैं। और वेल्डिंग को कहीं पे भी, कहीं फ्लेक्सिबल है, आप वेल्डिंग को कहीं भी कर सकते हो बेटा, और उसमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये ई ऑप्शन आंसर है इसका, ई आंसर है बेटा। सी क्यों लगाया बेटा, सी किसने लगाया? अरे बेटा रिवेट भी रिजिड ही देता है और वेल्डिंग भी रिजिड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगी, रिजिड ही तो करेगा, कौन सा डिफॉर्मेबल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और रिवेट की कहानी खत्म हो गई। अगर पुराने पुराने घरों में आपके पास बकेट होगी, अगर आपके पास एक बकेट होगी, तो बकेट किसकी, आयरन की, तो इस टाइप से डॉट डॉट देखोगे उस पे, इस टाइप से डॉट डॉट देखोगे उस पे, बेटा वो रिवेटिंग से बनाई है, वो रिवेटिंग से बनाई हुई है। और आजकल ये खत्म हो गया है मार्केट। आजकल ये मार्केट में खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और जवाब आप देंगे, वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका बकेट होता है ना, जिसे हम हिंदी में बाल्टी बोलते हैं, वो बाल्टी जो लोहे की आती थी, जिसको तुम उठा के अपने कुएं से पानी लेके आते थे, तो उस बाल्टी में तुम्हें देखा होगा कुछ डॉट 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 होते थे।
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बताओ क्या होगा आंसर। बेटा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपके पास ये इलेक्ट्रोड होता है, मैं बनाता हूं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये इलेक्ट्रोड होता है आपके पास, एक और इलेक्ट्रोड होता है, ये आपके पास बेटा एक रोकर आर्म होती है, एक रोकर आर्म होती है, और बेटा ये आपके पास एक पावर सोर्स होता है, और इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दो प्लेट रख दी जाती है, दो प्लेट रख दी जाती है। सबसे पहले यहां से पावर सोर्स से करंट जाता है, तो करंट जाता है तो यहां बेटा यहां क्या बन जाते हैं, यहां नगेट्स बन जाते हैं, और उसके बाद पावर सोर्स को स्विच ऑफ किया जाता है, पावर सोर्स को स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद जो ये वेल्ड, ये जो नगेट है ना, इसके बाद यहां से लगाया जाता है आपके पास क्या, प्रेशर, फिर लगाया जाता है बेटा प्रेशर। हाँ नवीन, नवीन कमेंट देखा ही नहीं मैंने बहुत देर से, लीकेज प्रॉब्लम तो बेटा वेल्डिंग में भी होती है, ऐसी बात नहीं है ना, वेल्डिंग में भी लीकेज हो सकता है, ऐसी बात, ठीक है। उसके बाद लगाया जाता है प्रेशर, नहीं बेटा करंट जब पास होता है तब नहीं लगाते हैं, नहीं इसके बाद भी नहीं लगाते हैं, आफ्टर कंप्लीट, जब वेल्ड कूल हो जाए, जब वेल्ड कूल हो जाए, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए, उसके बाद आप यहां प्रेशर लगाओ, उसके बाद आप यहां प्रेशर लगाओ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। राजू ने सही आंसर किया था, राजू ने सही आंसर किया था। अरे प्रेशर तो लगाएंगे बेटा, बिना प्रेशर थोड़ी काम चलेगा, प्रेशर तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर तो लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, सी आएगा, इंपोर्टेंट लगा लेना, स्टार के साथ इंपोर्टेंट भी लगा लेना, दोनों ही लगा लेना। बोलो यहां तक क्लियर, एक बार थंब कर दो, एक बार क्लास में थंब कर दो बेटा, एक बार आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार थंब कर दिया जाए। सी लगा लेना धीरज का, धीरज क्या सी लगा लेना, रवि रस्तोगी साहब सी लगा लेना, गोविंद सी लगा ले बेटा, करेक्ट। थंब कर दो एक बार, जिससे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कितने हो गए, 10 तो पहले हो गए और 23, लगभग 33 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी तक, लगभग लगभग 30 से ऊपर ज्यादा के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वेरी, बहुत अच्छा प्रॉब्लम बेटा, 24 अच्छा प्रॉब्लम है। ग्रे कास्ट आयरन को जो वेल्डिंग की जाती है उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है, एवरीवन एवरीवन बोलो बेटा, 24 में कमेंट देख रहा हूं, थैंक यू। ग्रे कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग की जाती है उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। बेटा ग्रे कास्ट आयरन पढ़ो ना एक बार अच्छे से पढ़ो, गैस वेल्डिंग यूज की जाती है, गैस वेल्डिंग यूज की जाती है, पढ़ाया तो था तुम्हें,
तुम्हें पढ़ाया तो था कि गैस वेल्डिंग यूज की जाती है, और इनमें से गैस वेल्डिंग कौन सी है? सर ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन, यही तो है ऑक्सी एसिटिलीन। ऑप्शन ई, ग्रे कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग की जाती है वो वेल्डिंग गैस वेल्डिंग से की जाती है, और गैस वेल्डिंग का ही दूसरा नाम है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, है ना। हाँ, और ये एक तरीके की केमिकल वेल्डिंग है, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल वेल्डिंग एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा, अगला प्रॉब्लम स्क्रीन पे है कि सीम वेल्डिंग क्या होती है, सीम वेल्डिंग क्या होती है बेटा, सीम वेल्डिंग क्या होती है बताइए। सीम वेल्डिंग सर, वेरी गुड नवीन सर, यहां एक जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो रोलर के फॉर्म में लेते हैं सर, यहां जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो रोलर के फॉर्म में लेते हैं, और सर यहां रोलर के फॉर्म में लेते हैं, ये सर पावर सोर्स होगा, और यहां से आप सर एक प्रेशर भी अप्लाई करोगे, तो यहां ये नगेट्स बनेंगे और ये रोलर चलेगा, ठीक है। ये नगेट्स बनेंगे और ये नगेट कंटिन्यूअस नगेट्स बनेंगे, और ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये ऐसा पाइप बन जाएगा, एक ऐसा पाइप बन जाएगा जो लीक प्रूफ जॉइंट बनाएगा, जो लीक प्रूफ जॉइंट बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा लीक प्रूफ जॉइंट। तो इस तरह के कंटिन्यूअस बेटा क्या बना, कंटिन्यूअस क्या बने, स्पॉट बने, इसलिए इस वेल्डिंग का नाम हुआ कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। ये लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के काम में आती है, ये लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के काम में आती है, यस या नो, कि ये लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के काम में आता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी बता दो बेटा, ये एक तरीके का मान लो कि आपको एज प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, देखो बेटा दो प्लेट को ज्वाइन करना है बेटा, दो प्लेट को अगर ज्वाइन करना है तो पहले एज प्रिपेयर, एज बनाने पड़ेंगे, ये इनके एज बनाने पड़ेंगे। मान लो आपने ऐसे बना दिया, ये वी टाइप का एज हो गया, ऐसा एज प्रिपरेशन करना पड़ता है जिससे लिक्विड मटेरियल इसमें फिल हो पाए प्रॉपरली, प्रॉपरली फिल हो पाए, ठीक है। इस टाइप का एज प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा, इस टाइप से एज प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर थिकनेस 4 mm से कम है तो जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, अगर अगर 4 mm से कम थिकनेस की है तो एज को प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है और आप आंसर बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है और आप आंसर बताएंगे।
हाँ फिक्स डाटा का, लेकिन रीजन भी है बेटा उसका, थिकनेस कम है तो आपको एज बनाने की, जो थिकनेस ज्यादा होगी तब दिक्कत आएगी। राजू 3 mm तो ऑप्शन में था नहीं तो फोल्ड लगा दिया, राजू 3 mm तो ऑप्शन में था नहीं तो फोल्ड लगा दिया यार, 5 लगा दे, फोल्ड लगा दो। वेरी गुड, सभी का सही है, ये मैंने बताया था, बताने की जरूरत नहीं इसको, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कास्ट आयरन प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग, प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग दोनों गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग का एक टाइप है और कास्ट आयरन में ये की जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, प्री हीटिंग से होगा क्या कि भैया ये टॉर्च होगी तुम्हारी, ये तुम्हारा टॉर्च होगा और इसमें से फ्लेम निकलेगा, फ्लेम निकलेगा तो ये आगे वाला फ्लेम आगे वाली सरफेस को क्या कर देगा, आगे वाला फ्लेम आगे वाली सरफेस को प्री हीट कर देगा और अंदर वाला जो कोन है, अंदर वाला जो कोन है वो उसको मेल्ट कर देगा, मेल्ट कर देगा। आज क्वेश्चन करने हैं 40 गुड्डू, 40 क्वेश्चन करने हैं गुड्डू, जब तक 40 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक चलेगा। बेटा ये काफी हेल्पफुल होगा, याद रखना मैकेनिकल में सिलेक्शन नहीं होने का रीजन प्रोडक्शन होता है बेटा, और आरआरबी जो आरआरबी एग्जाम जो रेलवे एग्जाम लेगा ना उसने प्रोडक्शन भर के दिया था, भर के पढ़ो। फिर तुम कहोगे कि प्रैक्टिस नहीं कराते, तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम्हारा। वापस क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर लेगा इसको, तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है, कल हम मेटल कटिंग पे क्वेश्चन निकालेंगे, इसको इस पे 2 दिन लगेंगे बेटा। वेल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कल अच्छे वाले, मतलब और वेल्डिंग के क्वेश्चन जो बचे हैं, और कास्टिंग के क्वेश्चन भी कल वाली सीरीज में रहेंगे। कल मेगा चलेगा और कल अराउंड 150 क्वेश्चंस कराने का टारगेट रहेगा, देखेंगे 150 या 100 क्वेश्चन कराने का कल टारगेट रहेगा, आज लगभग 60 क्वेश्चन कराने का टारगेट है। तो ग्रे कास्ट आयरन गैस वेल्डिंग अभी बोले थे आपको, सबने सही लगाया ना ये, वेरी गुड। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करनी है, माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करना है तो बताइए कौन सा सूटेबल होगा। 29, 29 ग्रे कास्ट आयरन का तो सबको पता था। ट्वेंटी नाइन बेटा, ऑप्शन थोड़े से गलत है इसमें, है ना, ऑप्शन थोड़े से गलत है, स्ट्रेट पोलरिटी रिवर्स थोड़ी होती है भाई एसी में, इसके ऑप्शन थोड़े से गलत है ना। वेल्डिंग के आज 90% कंप्लीट हो जाएगा, वेल्डिंग आज 90% कंप्लीट हो जाएगा, कल 10% और लेके आएंगे। आंसर बताओ बेटा इसका। धीरज ने सबसे पहले, गुड्डू ने बी दिया है ना, सबने बी ऑप्शन दे रहे होगा, बी ऑप्शन दे रहे हो का,
बी ऑप्शन। चलिए देखें, चल बेटा एक बात तो देखो, ये तो हटा दो तुम, ये तो कुछ नहीं है, स्टेट पोलैरिटी है ना, डीसी में जरूर होगा, एसी में थोड़ी होगा स्टेट। ओके क्योंकि एसी तो कंटिन्यूअसली प्लस माइनस होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करना है तो माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है बेटा कितना होता है, 1539। बोलो बेटा, माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर यही होता है, माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर यही होगा। बोलो, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, 1539 ही तो होता है ना, यही इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है आपके पास। यस, तो बेटा ये वेल्डिंग, ये आपका कैसा अच्छा खासा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हाई है, तो अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है और इसकी आपको आर्क वेल्डिंग करनी है, आर्क वेल्डिंग करनी है, ठीक है, आयरन ही है ना बिना, स्टील आयरन ही तो है ना, बात एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। ओके, इसका आर्क वेल्डिंग आपको करना है, ठीक है, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ज्यादा चाहिए, अगर हीट ज्यादा चाहिए तो कौन सी चीज यूज की जाए, कौन सा यूज किया जाए, हीट अगर ज्यादा चाहिए, हीट कहाँ ज्यादा चाहिए भैया, यहाँ ज्यादा चाहिए, यहाँ हीट ज्यादा चाहिए, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ टकराएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ टकराएंगे, और इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। बी लगा लेना बेटा, बी लगा लेना, ठीक है, बी आंसर लगा लेना इसका, करेक्ट आंसर बी है इसका, है ना, करेक्ट आंसर तो बी है। अगला, अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताओ, क्वेश्चन नंबर 30, कमेंट सही आ रहे हैं तुम्हारे बेटा। ब्रेजिंग मेटल्स और अलॉय कौन से होते हैं बेटा, ब्रेजिंग में जो ब्रेज मटेरियल होते हैं कौन से होते हैं, ब्रेजिंग में जो ब्रेज मटेरियल होते हैं, आप सोल्डरिंग और ब्रेजिंग करते हो ना, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग करते हो ना, तो उस वाले में कौन से अलॉयज, कौन से मेटल यूज ले लिया जाता है, बेटा कॉपर भी लेते हैं, कॉपर के अलॉय भी लेते हैं, सिल्वर भी लेते हैं, एल्यूमिनियम भी लेते हैं, और ये भी लेते हैं, स्प्लेटर बोला जाता है इसे, स्प्लेटर बोला जाता है, स्प्लेटर, स्प्लेटर बोलो बेटा, सभी सभी लेते हैं बेटा, सारे तीनों ही लेते हैं, सभी लेते हैं गुड्डू, कॉपर भी लेते हैं, कॉपर के अलॉय भी होते हैं, सिल्वर भी होता है, सिल्वर का अलॉय भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सभी होते हैं, ई, यस। चल आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये अक्सर पढ़ाया नहीं जाता बेटा, ये अक्सर पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर गलती के चांस हो जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर गलती के चांस ज्यादा हो जाएंगे। बताइए बेटा, बताइए, कमेंट्स देख रहा हूं मैं तुम दोनों सबके,
बहुत कॉमन है ये, फोर्ज वेल्डिंग बहुत कॉमन है। वेरी गुड कुमार अजीत ने सबसे सही आंसर दिया, सबसे पहले डी ऑप्शन। कुमार अजीत ने बिल्कुल ऑप्शन सही दिया है डी। बेटा याद रखिएगा इसको, बेटा इसको याद रखिएगा, ये याद होना चाहिए। हाँ याद होना चाहिए बेटा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है अगला, बहुत सुंदर प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, सुंदर के साथ साथ सिंपल भी है, सुंदरता भी है और सिंपल भी है, कि लेजर वेल्डिंग कहाँ यूज की जाती है, ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जहां लेजर वेल्डिंग यूज की जाती है। बहुत ही सिंपल बेटा, आजकल जो इंडस्ट्री है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जहां आपको छोटे छोटे लाइक द कंडेंसर, लाइक द रेजिस्टेंस, जो ये छोटे छोटे आपके पास रजिस्टर, इनको जब मदरबोर्ड पे लगाना होता है तो आप लेजर वेल्डिंग का यूज करते हो, लेजर वेल्डिंग का यूज करते हो बेटा। डी ई नहीं जाएगा। अरे स्ट्रक्चर वर्ग में लेजर कब देखा तुमने? अरे तुमने कभी अपने घर पे लेजर यूज किया है क्या? तुम्हारा घर बना हो, स्ट्रक्चर वर्क में कब लेजर कब यूज करने लगे? दूर से लेजर यूज करते हैं क्या? हैवी इंडस्ट्री में कहाँ यूज किया तुमने? लेजर यूज आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा यूज आता है। और तुमने इसके इसको डायग्राम में जरूर देखा पर याद नहीं आया तुम्हें। एड देखते हो मोबाइल बनाने वालों के? अरे मोबाइल बनाने वालों के एड देखते हो? वो एक रोबोटिक आता है लेजर छोड़ता है, बेटा वो लेजर कहाँ है? यही है वहां तो आर्क यूज करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर लो, चलो 33 कर लो, रीजन बताता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, 33 हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं। 33 बताओ, कौन सा कार्बन स्टील सबसे ज्यादा वेल्डेबल होता है? सबसे ज्यादा वेल्डेबल होता है। आंसर आना स्टार्ट हुआ है, आंसर आना स्टार्ट हुआ है 33 में। बेटा जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा उसमें वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है, उसमें वेल्डिंग इजी होता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ागा, ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ागा बेटा, बोलो बोलो बेटा जी, ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ागा कि जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा उसकी वेल्डिंग आसानी से की जाती है? बोलो बोलो बेटा जल्दी से बताओ, तो ए आंसर चला जाए, तो ए आंसर चला जाए। ठीक है, और आप जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ोगे तो वहां भी रीजन आएगा इसका, है ना? जब आप आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ोगे तो वहां पे भी इसका रीजन मिलेगा, तो ऐसा क्यों किया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। अब जिन्होंने फ्रिक्शन वेल्डिंग पढ़ी होगी वो तो कर देंगे, जिन्होंने फ्रिक्शन वेल्डिंग पढ़ी होगी वो तो कर देंगे। वेरी गुड राजू, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग आराम से करो, आराम से करो।
आराम से करो बेटा। इनकरेक्ट ढूंढना है ना, इनकरेक्ट ढूंढना है। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है, मेरी बात समझना बेटा। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है कि दो प्लेट को अगर ज्वाइन करना है, दो प्लेट को ज्वाइन करना है, तो एक प्लेट को रोटेट कराया जाता है और दूसरी प्लेट को इसके पास में लेके आया जाता है। एक प्लेट को रोटेट करवाया जाता है, ये प्लेट रोटेट होती है, ये प्लेट रोटेट करवाई जाती है और दूसरी प्लेट को पास में लेके आया। तो जब ये रोटेशन होगा और अचानक ये इस पे टकराएगी तो बेटा फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा, बोलो बेटा फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा। ये रोटेट हो रही है और ये प्लेट इस पे टकराएगी तो फ्रिक्शन आएगा और इस तरह से वेल्डिंग हो जाती है बेटा, इस तरह से वेल्डिंग हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, मेल्ट होती है और वेल्ड हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक की वेल्डिंग इसलिए इजी हो जाता है बेटा, प्लास्टिक की वेल्डिंग, प्लास्टिक के लिए जो आपका ये टेम्परेचर चाहिए मेल्ट कराने के लिए कम चाहिए। दो प्लास्टिक को आप फ्रिक्शन से आसानी से जोड़ दोगे, आसानी से जोड़ दोगे। तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट नहीं है, जो सी लगा रहे हैं, जो सी लगा रहे हैं वो सही नहीं सोच पा रहे। प्लास्टिक को आसानी से प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन वेल्डिंग से कर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो ये भी ई भी सही है, मैंने अभी अभी बताया है। वेरी रैपिडली, बहुत रैपिडली, देखो ये रैपिडली रोटेट कर रहा है। ठीक है, ई भी सही है, सी भी सही है, डी सिमिलर को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन बेटा एनी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा नहीं कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आप इसे कर दोगे कि भाई ऐसे है तो ऐसे फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा है और एक ऐसा है तो भैया ऐसे ऐसे कैसे अड़ा दोगे इसके। ठीक है, तो आंसर इसका है बेटा डी। हर किसी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को वेल्ड नहीं कर सकते, इससे लिमिटेशन है इसका, इसका लिमिटेशन है। अब तो 6 क्वेश्चन और बचे, बस 6 क्वेश्चन आई थिंक और बचे हैं। ये छोड़ दो अभी, ये करो बेटा, ये वाला करो 36, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग टाइप का। 36 36, क्रॉस वायर वेल्डिंग, क्रॉस वायर वेल्डिंग। बेटा घर पे जाली देखी, घर पे ऐसे जाली देखी, ऐसे जाली होती है बेटा ऐसे, और ये जाली इस तरह से वेल्ड होती है बेटा, इसे बोलते हैं क्रॉस वायर वेल्डिंग। क्रॉस वायर वेल्डिंग इस टाइप से बेटा ये वेल्डिंग होता है आपका, और इसे बोलते हैं बेटा फोम मेस। इसे बोलते हैं बेटा, ये यूज की जाती है मेस बनाने के लिए। मेस यानी एक तरीके से जाली टाइप का, मेस यानी एक टाइप से जाली टाइप का। सी जाएगा बेटा इसका, सी मल्टी स्पॉट प्रोजेक्शन हो गया, मल्टी स्पॉट प्रोजेक्शन हो गया, कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग हो गई, कंटिन्यूस सीम वेल्डिंग हो गई, क्रॉस वायर वेल्डिंग हो गई, ये है। अरे जाली चलनी बनानी है, चलनी इस टाइप का। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो अगला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। अगले प्रॉब्लम को 37 37, आर्क वेल्डिंग में किस ऑर्डर का टेम्परेचर होता है, सभी बच्चे बता देंगे इसको, तो
इसको तो सभी बच्चे बता देंगे कि आर्क वेल्डिंग में किस ऑर्डर का टेम्परेचर जनरली होता है। आई होप इसका आंसर सभी का सही होगा। वेरी गुड, 5500, 5500, 1500 नहीं होता रे भाई, कौन 1500 दे रहा है? ये सोनू तुक्के लगा रहा है भाई साहब। ये सोनू जो आया है ये तुक्के लगाने के लिए आया, दिखता है आज तो। पचपन सौ, 5500। और क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पे है आपके पास, स्क्रीन पे है 38, 38, 38 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, 38 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, 38। अब दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं आज के, आज के दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं आई होप, जहां तक मुझे पता है। वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल रही है, तो सबको मिलनी चाहिए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। आपको मिले, सबको मिले, ठीक है? बढ़िया, एकदम पॉजिटिविटी रखो। लॉन्ग आर्क लेंथ बेटा, एक रिलेशन होता है वी इक्वल टू ए प्लस बी एल ए, आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ में एक रिलेशन होता है बेटा, ये लीनियर रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है, आर्क लेंथ लीनियर रिलेशन होता है बेटा। अगर आर्क लेंथ बढ़ेगी तो आर्क वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज तो हाई होना चाहिए, ठीक है सर? वोल्टेज तो हाई होना चाहिए। अब बेटा जो पावर सोर्स होता है ना, पावर सोर्स में जो पावर होती है वो होती है वी आई, वी आई वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। बेटा पावर सोर्स की पावर हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा। जो भी पावर सोर्स आप खरीद के लाओगे ना, आप अगर कहीं से जनरेटर खरीद के लेके आए हो, आप कहीं से अगर जनरेटर खरीद के लेके आए हो, तो उसकी पावर कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर यहां देखो पावर कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो बेटा करंट तो कम होगा ना, करंट तो कम होगा ना, तो करंट लो हो जाएगा। ऑप्शन सी जा रहा है, सभी को समझ में आ गया तो यस कर दो, थंब कर दो, थंब बना दो और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, थंब बना दो बेटा। समझ में आ गया ये कंसेप्ट, आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ में ये रिलेशन, ए बी कांस्टेंट होते हैं और पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वी आई। किसी भी इलेक्ट्रिकल वाले से पूछ लेना, कोई भी बता देगा कि पावर बराबर वी आई होता है। अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे 39, प्रॉब्लम 39, 39 प्रॉब्लम बेटा 39। जो फ्लक्स यूज किया जाता है वेल्डिंग में, वो मोल्टन मेटल को और सरफेस को, जॉइंट की सरफेस को किससे बचाता है, किससे बचाता है? सर सर सर, इस तरह से फ्लक्स लगाया जाता है सर, सर इस तरह से फ्लक्स लगाया जाता है, ठीक है? और ये इसको, ये फ्लक्स इस पे, ये फ्लक्स क्या करता है इस पे बेटा, इस पे सेल्ड का काम करता है
और इस मोल्टन मेटल को ऑक्सीजन, बाहर वाली ऑक्सीजन अंदर नहीं आने देता, ऑक्सीडेशन से बचाता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। वापस सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 वापस आ चुका है बेटा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40 वापस आ चुका है। बोलो क्या होगा, क्या होगा? गैस वेल्डिंग सर, गैस वेल्डिंग सर, गैस वेल्डिंग ए। थैंक यू सो मच, क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा आज, आज बेटा क्वेश्चन खत्म हो गए। अराउंड अपन ने 40, सॉरी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, सारे क्वेश्चन अपन ने निकाल लिए, तो टोटल अपन ने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने निकाले? टोटल अपन ने 40 तो एक निकाल लिए बेटा, और आई होप 10 एक निकाल लिए थे। 50 क्वेश्चन आज निकाले हैं, और ज्यादा ही क्वेश्चन आज निकाले हैं। कौन है? कल के कुछ क्वेश्चन थे बेटा, हाँ कल के। अब आप ये बताओ, 50 में से अराउंड अराउंड 45 से अबव कितनों के सही है? 45 के अबव या 40 के अबव ले लो, आज आज 40 के अबव ले लो, 40 के अबव ले लो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बताइए अपन ने 50 क्वेश्चन आज किए, कौन है आज का गोल्ड मेडलिस्ट? विच वन इज द गोल्ड मेडलिस्ट? बिल्कुल राजू, कल वाले में करेक्ट कर लेना, राजू कल वाले में करेक्ट कर लेना, मेनी डिटेल सही है कास्टिंग, सॉरी फॉर दैट, मेनी डिटेल सही है ना राजू? ये वाला क्वेश्चन मैं वापस करवा दूंगा ना, हाँ वो जल्दबाजी में मैंने फ्यू दे दिया होगा। आज का गोल्ड मेडलिस्ट धीरज है बेटा, धीरज है आज का गोल्ड मेडलिस्ट, धीरज जिसके 45 क्वेश्चन सही है। हाँ कल वाले में एक दो में प्रॉब्लम है, उनको मैं वापस सॉल्व आउट कर पाऊँ, वापस सॉल्व आउट कराऊँ। धीरज के लिए सभी को एक थंब का साइन बना देना चाहिए, क्यों बना देना चाहिए? जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने क्वेश्चन में, उनके लिए थंब बनना चाहिए। आपको उनसे जलना नहीं चाहिए कि मेरे कम आए उसके ज्यादा आए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसके लिए, आगे बढ़ रहा हो तो उसके लिए भी अच्छे से अच्छी चीज कहनी चाहिए। तो एक बार थंब बना दो सब, एक बार सब थंब बना दो धीरज के लिए। राजू एक बार आप सारे क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है ना राजू, उन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, मुझे सेंड कर दोगे, मैं कल वाली क्लास में उनको रिपीट कर दूंगा, वापस देख लेंगे। वापस देख लेंगे ना, कोई डॉट, कोई इसमें टेंशन नहीं, भारी टेंशन नहीं इसमें। बोलो बेटा, और सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट कौन है ये तो बताओ, सेकंड कौन है गोल्ड मेडलिस्ट? धीरज, धीरज
कल उन सारे क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर रहा हूं मैं ना, कल वाली स्लाइड में वापस रिपीट हो जाएंगे ना, कुछ डाउट रहा होगा तो डाउट क्लियर कर देंगे। कल के लिए कल मेटल कटिंग, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कास्टिंग के कुछ क्वेश्चन में डाउट है उन डाउन डाउट वाले क्वेश्चंस को लेंगे, वेल्डिंग वाले कुछ प्रॉब्लम लेंगे प्लस कास्टिंग वाले कुछ प्रॉब्लम लेंगे। कल 100 प्लस क्वेश्चंस करने का टारगेट है, तो चाय पानी लेके बैठ जाना, चाय पानी लेके बैठ जाना कल आराम से। कल 100 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपन को। हाँ, कल वाले क्वेश्चन मुझे सेंड कर देंगे, मैं कल वाली पीपीटी में से ऐड करके आपको एक बार को एक्सप्लेन कर लेंगे। गुरमीत ने क्वेश्चन पूछा है, सर घड़ी की सुइयों में कौन सा जॉइंट होता है? बेटा यार ये तो चार ऑप्शन, कौन सा जॉइंट होता है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। नवीन राजू कमेंट में क्या कह रहा है देखो एक बार। चलिए टाइमिंग 6 o'clock, 6 o'clock इवनिंग, और कल कब तक चलेगा? नो टाइम, लास्ट कुछ भी नहीं है, 15 मिनट में भी खत्म हो जाए 100 क्वेश्चन तो 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, 30 मिनट में, 30 मिनट में, 3 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 4 घंटे में। चलिए बेटा मिलते हैं 9 o'clock, मिलते हैं बेटा 9 o'clock FM प्लस सॉन्ग की सीरीज के साथ, FM प्लस सॉन्ग सीरीज के साथ मिलते हैं 9 o'clock टुडे। आज 9 बजे फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।